गढ़वा जिले में अवैध रिक्शा, टेम्पो व बसें चलने को लेकर आ रहे बस के मालिक नाराज होकर 4 बजे आरटीओ ऑफिस पहुंचे। साथ में उनकी बस्सी लाकर खड़े कर दी आरटीओ में। उसके बाद आरटीओ अफसर बिलोरे से आ रहे बस के मालिक की बहस होने लगी। आपने बस आरटीओ ऑफिस में खड़ी क्यों की है? मैंने नहीं बुलाया आपको। मालिक ने कहा है कि घर में खड़ी रहे, इससे बेहतर है कि आरटीओ ऑफिस में ही खड़ी रहे। देखिए खास रिपोर्ट आईबीएन 24 न्यूज पर फरीद मंसूरी के साथ। बसों के मालिक है वो यहाँ पर आए हैं, क्या चाहते हैं? अब वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ियों के खिलाफ उनके आगे पीछे रोज कार्रवाई होती रहे, तो हम उनकी बहाने जो शिकायत होती है, उनकी शिकायतें भी हुई है, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे रोज के जाना संभव नहीं है, क्योंकि चेकिंग के अतिरिक्त भी ऑफिस में बैठना होता है, ऑफिस का भी काम रहता है, और उनने अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा से अपनी वाहनें ऑफिस में खड़ी की है। एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है और ना ही हमने ऐसा कहा है कि आपको अपनी वाहनें यहाँ खड़ी करनी है, और इसमें अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वाहन है। आपके संज्ञान में कुछ ऐसी बसें आई है जो मतलब इसमें बगैर परमिट की चल रही है? नहीं, परमिट की बिना परमिट नहीं चल रही। सर, ये वाहन मालिक का कहना पड़ रहा है कि सर को हमने कई बार शिकायत करी कि जो टेम्पो, सही बात है, हमने सर में क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ कि जो हमारा जो शिकायत की गई है कि जो अवैध रूप से जो छोटी गाड़ी चली फोर व्हीलर चढ़े, तो सर का ज़्यादातर ध्यान जो रेत के ट्रक है उनको पकड़ने में ज़्यादा, और बसों का जो हमारे द्वारा शिकायत गए उनके ध्यान कम है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सभी वाहनों की कार्रवाई होती है समय समय पे, जैसा स्टाफ होता है समय मिलता है, क्योंकि चेकिंग के अलावा भी ऑफिस के भी काम होते हैं, तो वो भी देखना होता है। बस मालिक द्वारा ये अभी शिकायत की गई आपका ध्यान है रेत के को पकड़ने में ज़्यादा आपका ध्यान है, ऐसी बात नहीं है, जिससे कि राजस्व मिल सके ऑफिस वाला काम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। किस बात को लेके मतलब यहाँ पर ये आरटीओ होती है? ये वाहनें चलती है खंडवा से छिरवेल अरूर मार्ग पर और खंडवा से कांडवा बिगेड़ी मार्ग पर चलती है। इन वाहनों के आगे पीछे अवैध रूप से टाटा मैजिक एप और जीवे जो है बहुत संख्या में चल रही है। पिछले 6 माह से हम आरटीओ साहब को लिखित में शिकायतें कर रहे हैं, पर आरटीओ साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इससे परेशान होकर हमने हमारी वाहनों का संचालन बंद कर दिया है। इससे आप उनको बंद कराना चाहते हैं जो बगैर परमिशन के चल रही है, बस हो गए आगे चल रही है? भाई चल रही है, बस वाले को बस चलाने से पहले 1 महीना पूर्व का एडवांस टैक्स देते हैं आरटीओ साहब को, उसके बाद में परमिट लेते हैं, फिर गाड़ी का वाहन संचालन करते हैं। और जो लोग टाटा एपे वाले जो हैं, ये तो वर्षों से बगैर परमिट बगैर टैक्स के अपनी वाहन ऑपरेट कर रहे हैं, इनको बंद करवाना चाहिए। हाँ, आपकी जो बसें तो जो है समय के अनुसार चलती है, वो कभी भी लेके निकल जाती है, तो आपका धंधा करवा बिल्कुल जो टाइम की जो हमारी, तो आरटीओ साहब से आपकी बातचीत हुई, क्या कहा साहब से? हम पिछले 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे विभाग के वो अधिकारी हैं, तो हम तो उनसे हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कहा फिर? भाई साहब का कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, टाइम नहीं है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो जो आदमी शासन को टैक्स दे रहा है उस व्यक्ति के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मैंने बात कर लूँगी। आपकी किस रूट पर ज़्यादातर जो दिक्कत है, कौन से रूट पर के लिए आपने? खंडवा छिरवेल और खंडवा से भीलगढ़ी